नेक्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेलुलर स्ट्रक्चर्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो आपकी बुक में आपको टॉपिक नज़र आ जाएगा इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो एक सेल में मौजूद हैं वट वो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं उन तमाम स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल वॉल तो सेल वॉल से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे इस मेन टॉपिक में वो है सेल वॉल अक्रिन्स सेल वॉल किन ऑर्गेनिजम्स में होती है सेल वॉल की प्रॉपर्टीज क्या है इनके फंक्शंस क्या है और जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मौजूद है वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं और उन ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल वॉल की अक्रंस डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल होती किन ऑर्गेनिजम्स में है. सबसे फर्स्ट एंड की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स एनिमल्स जो हैं या एनिमल सेल है या एनिमल लाइक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में फनजाए और बहुत से प्रोटिस्ट हैं या प्रोकरस हैं जिनमें जो है सेल वॉल मौजूद होती है सेल वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स फनजाए मैनी प्रोटिस्ट एंड प्रोकरस लाइक बैक्टीरिया अब सेल वॉल लिटरली सेल में कहाँ है सेल वॉल इज लोकेटेड आउट साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेमब्रेन लाइक इन द पिक्चर यू कैन सी अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की आउटर लेयर्स दो हैं एक है सेल मेम्ब्रेन जो इंटरनली आपको लाइट ग्रीन कलर में नजर आ रही है सेल मेमब्रेन uh, है एंड सेल मेमब्रेन के बाहर सेल वॉल है विच इज डार्क ग्रीन इन कलर तो दो लेयर्स हैं दो प्रोटेक्टिव लेयर हैं प्लांट सेल में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो है कोई किसी किस्म की सेल वॉल मौजूद नहीं होती ओनली द आउटर लेयर विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेल वॉल से रिलेटेड उसको भी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनिमल सेल सॉरी इन द प्लांट सेल सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट सेल का ये लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता सेकेंड प्रॉपर्टी इट इज द्रोंगेस्ट कम्पोनेंट ऑफ द सेल सेल वॉल जो है चूंकि ये नॉन लिविंग है टफ इन टेक्स्चर है तो ये स्ट्रोंगेस्ट कंपोनेंट होगा प्लांट सेल का नॉट ऑल ऑर्गेजम हैव सेल वॉल अराउंड द सेल लाइक एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट एनिमल्स जो हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो है वो सेल वॉल मौजूद होगी बाकी एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में सेल वॉल मौजूद नहीं होती थर्ड uh, जो है टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल सेल वॉल का काम क्या है नॉन लिविंग है टफ एंड टेक्स्चर है और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट द सेल है तो इन्हीं तीन रिस्पेक्ट्स को अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात करें इनकी फंक्शंस की तो फर्स्ट जो सेल वॉल है इट प्रोवाइड्स शेप्स टू सेल इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड द थर्ड एंड स्पोर्ट्स टू द इनर लिविंग मैटर विच इज प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल फर्स्ट थ्री फंक्शंस की तो आपको क्लियरली uh, समझ आ गई होगी लेकिन फोर अगर फंक्शन की हम बात करें तो इसमें एक वर्ड लिखा तो हुआ है दैट इज प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है लाइक इन द स्क्रीन यू कैन सी मैंने एक सेल जो है वो ड्रॉ की है और इस सेल में जो सबसे आउटर लेयर है ये सेल एक एनिमल सेल है और इसकी जो आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है ठीक है सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ अगर हम मूव करें तो पिंकिश इन कलर आपको एक फ्लूड लाइक ट्रक्चर नजर आ रहा है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म ठीक है साइटोप्लाज्म क्या है ये इन द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी फिलहाल आप इसको इतना ही समझ लीजिएगा कि सेल में ब्रेन से इंटरनल एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद होता है इन साइड द सेल उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे साइटोप्लाज्म के बाद आता है न्यूक्लियस विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को हम जो है वो नहीं देखेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों के मिक्सचर को या इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म है तो अगर सेल वॉल आउटसाइड द सेल मौजूद है तो डेफिनेटली वो क्या कर रही है वो इंटरनल तमाम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है उसको प्रोटेक्ट कर रही है ओके okay. नेक्स्ट अब जो सेल वॉल की प्रेजेंस है वो किन ऑर्गेनिजम्स में है तो देयर आर थ्री मेन ऑर्गेनिज्म दैट हम जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्लांट्स ऑर्गेनिजम जो है वो प्लांट्स हैं जिनमें सेल वॉल है फंजाए में सेल वॉल मौजूद होती है एंड प्रोक्रीर्ट्स प्रोक्रोर्ड मीन बैक्टेरिया बैक्टीरिया जितने भी हैं उनमें भी सेल वॉल मौजूद होगी तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेल वॉल ऑफ प्लांट्स प्लांट्स हैव हैव वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल जो में मौजूद प्लांट सेल में मौजूद जो सेल वॉल है वो किसी एक केमिकल से नहीं मिलकर बनी हुई बल्कि बहुत से केमिकल्स हैं जो कि सेल वॉल में मौजूद हैं बट डिपेंड करते हैं कुछ केमिकल्स जो हैं वो मजोरिटी में मौजूद हैं मेजोरिटी उनकी परसेंटेज है लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटी या बहुत कम ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं तो अगर हम प्लांट सेल वॉल की कम्पोजिशन की बात करें तो प्लांट सेल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ टू लेयर्स फर्स्ट लेयर इज प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंड लेयर इज सेकेंडरी वॉल प्लांट सेल वॉल कंपोज ऑफ टू लेर्स प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल अब इनको वन बाय डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट प्राइमरी वॉल प्राइमरी वॉल क्या है प्राइमरी मीन होता है बेसिक बेसिक जो स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी वॉलिकली क्या है आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल एज प्राइमरी वॉल और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये जो प्राइमरी वॉल है डेट इज मेजरली कम्पोज ऑफ सेलुलोज़। तो सेलुलोज़ इज द मोस्ट कॉमन केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन दिस वॉल प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सब में मौजूद होगी सेकेंड सेल वॉल सेकेंडरी वॉल सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स ऑल्सो हैव सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स uh, की बात करें इन द प्लांट्स लाइक जाइलम व्हाट इज जाइलम जाइलम बेसिकली क्या है प्लांट्स में मौजूद वो वेजल है जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है वाटर को फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एरियल पार्ट मीन वो तमाम पार्ट्स जो कि आउटसाइड द ग्राउंड है इन द एयर उनको हम कहेंगे एरियल पार्ट्स में तो uh, जो जायलम uh, है ये बेसिकली क्या करता है ये एक वेजल लाइक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रूट से स्टार्ट होता है और एरियल पार्ट्स तक जाता है और क्या करता है वाटर को ट्रांसमिट करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्राम रूट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तो डेफिनेटली अगर इसमें से पानी ट्रांसपोर्ट होगा और काफी लेंथ तक होगा प्लांट्स में तो जाहिर सी बात है इन सेल्स को ज्यादा एक्स्ट्रा स्पोर्ट की जरूरत है और वो जो एक्स्ट्रा स्पोर्ट है वो कौन देता है इनको सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल तो है ही है लेकिन प्राइमरी वॉल के साथ साथ जो है वो सेकेंडरी वॉल भी वॉलिम uh, सेल्स में प्रेजेंट है जो एक्स्ट्रा स्पोर्ट के लिए स्पेसिफाई कर दी गई है तो अब सेकेंडरी वॉल के सेकेंड मेन सेकेंडरी मतलब सेकेंड ठीक है तो प्राइमरी वॉल के बाद जो इनर लेयर है दैट इज सेकेंडरी वॉल और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इट इज मच थिकर एंड कंटेन लेगनन एंड सम अदर केमिकल्स मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज एम एमसीक्यूज है द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल लेगन एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल सेलूज लेकिन इनके अलावा भी कुछ केमिकल्स हैं जो कि सेकेंडरी वॉल में मौजूद होंगे होते हैं अब ये डायग्राम्स हैं एक डायग्राम आपको सामने नजर आ रही है इस डायग्राम में बहुत से प्लांट सेल आपको दिखाए गए हैं सेंट्रल एक सेल है जो कि कंप्लीट सेल आपको नजर आ रहा है इसके अलावा बहुत से सेल्स हैं जो कि एडजेसेंटली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं तो उसमें आप प्राइमरी वॉल देखें सबसे आउटर लेयर जो है एक सेल की वो है प्राइमरी वॉल एंड प्राइमरी वॉल के बाद जो सेकेंडरी वॉल है वो आपको क्वाइट टफ थोड़ी सी थिक सी नजर आ रही है तो ये तमाम सेल वॉल सेल वॉल जो है द लेयर ऑफ सेल वॉल्स ये दोनों लेयर्स मिलकर एक कंप्लीट सेल वॉल बनाती हैं इन द प्लांट्स